किया झूठ। सर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपका क्या कहना है, उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, बहुत सारी घोषणाएं भी की और कहा कि नीच को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा कार्रवाई। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों भाई, संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है। तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना के रख दिया, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डिमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ जिक्र नहीं है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है प्रेसिडेंट ने, इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग, कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको। हाँ नीट, अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे, बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है, कहाँ पेपर लीक हो गया, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है।